बाहर निकाला गया, जो मिट्टी बाहर निकाला गया वो इसका वॉल्यूम हुआ, क्योंकि इतने स्पेस वैकेंट करे गए। इसलिए मैंने क्या करना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13.3 क्वेश्चन नंबर 3, तो हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 7 का हाफ इंटू एच, एच कितना होगा 20 मीटर। अब ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर मीटर, तो सारा कितना हो गया मीटर की 3। ये जो सॉयल हमने निकाला, ये जो मिट्टी हमने निकाला, इसको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में डाला, 22 मीटर लेंथ और 14 मीटर ब्रेथ। इसमें मिट्टी यहाँ से निकाला कुएं से और ला ला कर यहाँ रखते गए। जितना मिट्टी हम इसके अंदर रखते जाएंगे, इस प्लॉट में रखेंगे, इस फील्ड में जितना सॉयल रखते जाएंगे, फील्ड की हाइट बढ़ती जाएगी, यानी फील्ड में वॉल्यूम डेवलप होता जाएगा। लेंथ तो है ही, ब्रेथ है ही, सॉयल रखेंगे हाइट बनेगा, जितनी इधर से मिट्टी निकालने उधर इतने रखने, यानी इसके वॉल्यूम निकालना और इसमें डालना, यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल हो गया। तो पहले तो मैं वॉल्यूम ऑफ फील्ड निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ फील्ड निकालूंगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल कितना है 22 मीटर, 14 मीटर, और एच हमें नहीं पता है, एम क्यूब आ गया। अब ये वॉल्यूम जितना निकालूंगा उतने ये डालूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यही निकाल के यही डालना, यही निकाल के यही डालना, दोनों जितने इधर से निकाले उतने इधर डाले, तो दोनों वॉल्यूम इक्वल हो गया। तो 7/2 की स्क्वायर 20 इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। अब कैंसल करने की बारी है, इस 7/2 को जरा सा ठीक से लिख लें, 7/2, 7/2 टू टाइम्स, और इधर क्या लिखा था पाई, ये पाई लिखना है, तो पाई को क्या लिखेंगे 22/7। देखिए अपना एक एक 7 तो यहीं समाप्त हो रहा है, 22 से ये 22 समाप्त हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 से ये 25 पे कैंसिल हो रहा है, तो इस इधर क्या बचता है 7 इंटू 5, और इधर कितना आता है 14 इंटू एच। अगर ये एच इक्वल टू निकालोगे तो 14 इसके नीचे आ जाएगा, ले आओ इसके नीचे 14, कितने पे कैंसिल हुआ 2 पे एच इक्वल टू, तो एच इक्वल टू कितना आया 5/2, यूनिट लगाओ सब क्या में था मीटर में, तो कितना हो गया 2.5 मीटर इसकी हाइट बनी।